हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं अंकित विश्वकर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीने की वायरिंग, मतलब स्टेयर केस वायरिंग हम जिसको बोलते हैं, सीढ़ी की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, उसका कनेक्शन डायग्राम कैसे करते हैं, किस प्रकार से यह वर्क करता है, इसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए बात करते हैं जीने की वायरिंग। जीने की वायरिंग देखिए, जीने की वायरिंग क्या होती है, मतलब सीढ़ी की वायरिंग, यहाँ पर क्या किया जाता है, इस वायरिंग में के अंदर क्या होता है कि एक लैम्प को हम दो जगह से कंट्रोल करते हैं। सीढ़ी की वायरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या होता है, देखिए ये जो होता है लैम्प, इसको हम एक स्विच यहाँ पर लगा होता है, एक स्विच यहाँ पर लगा होता है, इसको हम दो जगह से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ सीढ़ी की वायरिंग क्या होता है, जैसे मान लो व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, यहाँ से व्यक्ति चलता है, उसके बाद यहाँ से स्विच को ऑन करता है, जैसे ही व्यक्ति ऊपर चला जाता है तो क्या होगा, अगर एक ही स्विच लगाएंगे तो व्यक्ति को वापस नीचे लाइट बंद करने आना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे दो स्विच से इस लैम्प को कंट्रोल किया गया है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब व्यक्ति यहाँ से आ रहा है कोई व्यक्ति और यहाँ से इस लैम्प को स्विच को ऑन करता है तो ये लैम्प ऑन हो जाता है, और व्यक्ति यहाँ जाने जब ऊपर चला जाता है तो यहाँ से स्विच को ऑफ कर देता है और आगे चला जाता है। साथ ही साथ अगर दूसरा व्यक्ति यहाँ से आता है फिर से स्विच को ऑन करेगा तो लैम्प ऑन हो जाएगा, और यहाँ से बंद करेगा तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए जीने की वायरिंग में क्या होता है, इसमें जो लैम्प है ये लैम्प इन दोनों स्विच से कंट्रोल होता है, चाहे आप यहाँ से ऑन करो, चाहे आप यहाँ से ऑन करो, चाहे आप यहाँ से ऑफ करो, चाहे यहाँ से ऑफ करो, दोनों जगह से ये ऑन ऑफ हो जाता है। देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें जीने की वायरिंग, मतलब आपको सीढ़ी की वायरिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दो ट्यूबे स्विच चाहिए। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो ट्यूबे स्विच है, एक ट्यूबे स्विच ये हो गया, एक ट्यूबे स्विच ये हो गया। ट्यूबे स्विच में क्या होता है, ये स्विच जो होती है दोनों साइड वर्क करता है। इसमें तीन पॉइंट होते हैं पीछे की ओर, तीन पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसमें तीन पोल होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं, और ये ट्यूबे स्विच होता है, एक लैम्प और कुछ वायर्स की आवश्यकता होती है। तो क्या करना है हमको, देखिए कनेक्शन करने के लिए हमको क्या करना है, जो फेज वाला वायर है आपका, इस फेज वाले वायर को आपको ट्यूबे स्विच, पहले ट्यूबे स्विच के पहले बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ट्यूबे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर देना है, और नीचे वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो सेकेंड वाले ट्यूबे स्विच का जो बीच का पॉइंट बचता है, इसको आपको ले जाकर कहाँ कम कनेक्ट कर देना है, लैम्प में कनेक्ट कर देना है। लैम्प में दो पॉइंट होते हैं, तो आपको लैम्प के एक पॉइंट में इधर साइड कनेक्ट कर देना है, और दूसरा वायर ले जाकर आपको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार से ये पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या कैसे काम करेगा, मान लीजिए कि आपका ये स्विच है, ये जो स्विच है ये मान लीजिए अभी ऊपर ऊपर की ओर चालू है, दोनों स्विच क्या है ऊपर की ओर है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, फेज वायर से सप्लाई आ रही है, और इस स्विच के ऊपर के पॉइंट के थ्रू यहाँ सप्लाई जाती है, और ये लैम्प के एक सर्किट को पूरा कंप्लीट कर देता है, और यहाँ पर लैम्प क्या हो जाता है, चलने लगता है, लैम्प ऑन हो जाता है। देखिए हमको क्या करना है, इस लैम्प के सर्किट को पूरा करना है। लैम्प को सर्किट को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ से सप्लाई आ रही थी, फेज वायर में सप्लाई आ रही, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से करंट फ्लो होते हुए इस वायर लैम्प से होते हुए न्यूट्रल में चला गया, मतलब एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्प ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैं क्या करूँगा, दोनों में से किसी एक स्विच को, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस स्विच को, या यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस स्विच को, दोनों में से किसी स्विच से भी मैं लैम्प को ऑफ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस स्विच को यहाँ से ऑफ कर दूंगा, और उसके बाद जैसे ही स्विच को ऑफ करता हूँ तो स्विच क्या हो जाएगी, नीचे की ओर दबाने पर यह स्विच इधर कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से फेस पर सप्लाई आ रही थी, तो यहाँ से क्या हुआ, इधर जा रही थी, तो यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया वायर, और ये किधर कनेक्ट हो गया, इधर। तो अब देखिए यहाँ से फेज आकर यहाँ रुक गया, मतलब ये क्या हुआ कि ये लैम्प ऑफ हो गया। ऑफ कैसे हुआ, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर उसकी ब्रेक हो गई, एक सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये अभी मैंने क्या किया, स्विच को यहाँ से ऑफ किया हूँ, स्विच वन से मैंने इस लैम्प को ऑफ किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, स्विच टू से इसको ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, स्विच टू से इसको ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं इसको नीचे की ओर दबाता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ से डिसकनेक्ट होकर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट हुआ, देखिए फिर से ये पूरा एक सर्किट कम्प्लीट हो गया, फेज वायर में से करंट जाने लगी और लैम्प ऑन हो गया। इसी प्रकार मैं इसको कहीं से भी बंद करूँगा तो यहाँ से डिसकनेक्ट होकर ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा और ये लैम्प डिसकनेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा इसका कनेक्शन है, और बहुत ही ईजी है इसको हम समझ
कर सकते हैं। जैसे ये सीढ़ी में लगाए जाते हैं, हम क्या करते हैं, इस प्रकार से दो ट्यूबे स्विच होती है, ये ऊपर की ओर भी चालू रहती है, नीचे की ओर भी चालू रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ भी नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दोनों की ओर चालू है। तो स्विच में क्या है, तीन पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट ने फेस कनेक्ट कर दिया, दोनों पॉइंट को हमने दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और इधर वाले पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से हमने लैंप को और लैंप से न्यूट्रल को, इस प्रकार से इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। और इसको क्या किया जाता है, जब सीढ़ी पर लगाया जाता है तो सीढ़ी के स्टार्टिंग में एक स्विच को लगा दिया जाता है, और सीढ़ी के ऊपर वाले डोर के पास दूसरे स्विच लगा दिया जाता है, और बीच और दो सीढ़ी के बीच में क्या कर दिया जाता है, जो स्टेयर होती है उसके बीच में एक लैंप लगा दिया जाता है, और इसको कनेक्शन कर दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये क्या करता है, जब व्यक्ति यहाँ से अंदर जाता है तो इसको ऑन करेगा तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, और यहाँ से ऑफ करेगा तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा, फिर यहाँ से ऑन करेगा तो ऑन हो जाएगा। इसको दोनों जगह से कंट्रोल किया सकता है। इस प्रकार से सीढ़ी का वायरिंग तैयार हो गई हमारी सीढ़ी। इस प्रकार से हम इसको स्टेयर केस वायरिंग, सीढ़ी की वायरिंग, जीने की वायरिंग, इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।